हेलो फ्रेंड्स, कैप्टन डीजे के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आपके प्यार और सपोर्ट के कारण आज हमारे यहां पर चैनल पर 1000 से भी ज्यादा की फैमिली इस चैनल से जुड़ गई है, तो इसके लिए आप सभी को दोस्तों दिल से धन्यवाद। और दोस्तों, मैं आपसे यहां पर वादा करता हूं कि कोई भी फेक वीडियो आपको इस चैनल पर नहीं मिलेंगे, तो प्लीज यार दोस्तों इस चैनल को सपोर्ट करते रहना। तो दोस्तों, WCC3 के मोड को आप यहां पर ऑफलाइन भी खेल सकते हैं। इसमें आपको यहां पर क्या क्या चीजें अनलॉक मिलेगी, तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहां पर आपको एनपीएल ऑक्शन यहां पर अनलॉक मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर एनपीएल ऑप्शन को यहाँ पर आराम से खेल सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, वो भी एकदम ऑफलाइन। और दोस्तों, आपको यहाँ पर अपनी टीम की दोनों जर्सी भी आपको यहाँ पर अनलॉक मिलेगी, नई और पुरानी वाली। जी हाँ दोस्तों, इसमें भी आपको यहाँ पर कोई भी प्लेटिनम खर्च करने की जरूरत नहीं होगी। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी टीम की जर्सी आपको यहाँ पर अनलॉक मिल जाएगी। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं टूर्नामेंट्स की। तो आप यहाँ पर जो भी अपनी स्क्रीन पर टूर्नामेंट्स देख रहे हैं, वो सभी के सभी आप यहाँ पर वन क्लिक में खेल सकते हैं एकदम आसानी से, एकदम फ्री में। आपको यहाँ पर कोई भी प्लेटिनम और रुपए आपको खर्च करने की जरूरत नहीं होगी। और दोस्तों, आपको एक जरूरी बात भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये गेम लेटेस्ट वर्जन नहीं है, ये थोड़ा पुराना वर्जन है, जिसमें आपको ये सभी चीजें अनलॉक देखने को मिलेगी। और आपको यहाँ पर करियर मोड अनलॉक नहीं मिलेगा दोस्तों। जी हाँ, करियर मोड अभी तक अनलॉक नहीं हुआ है, तो इसको आप यहाँ पर नहीं खेल सकते। बाकी सभी चीजों को आप एकदम फ्री में आप खेल सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इस मोड को कैसे डाउनलोड करना है और कैसे आसानी से इस गेम को अपने मोबाइल फोन में चलाना है, तो इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा और एकदम ध्यान से देखना होगा। तो करते हैं अपने इस वीडियो को स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों, आपको इस गेम की लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से आसानी से इस गेम को डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप दोस्तों इस गेम को डाउनलोड कर लेते हैं, तो सिंपली दोस्तों आपको यहां पर अपना यहां पर ZArcher एप्लीकेशन आपको ओपन कर लेना है। ZArcher एप्लीकेशन ओपन करने के बाद दोस्तों आपको वहां पर आ जाना है, जहां पर अभी आपने ये फाइल डाउनलोड की है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैं वहां पर अब आ चुका हूं। आपको कुछ डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ ऐसी एक जिप फाइल देखने को मिलेगी, तो सिंपली दोस्तों आपको इसको एक्सट्रैक्ट करना होगा। तो दोस्तों, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है, और इसके बाद दोस्तों जो यहां पर आपको नाम दिख रहा है एक्सट्रैक्ट हियर, तो सिंपली दोस्तों आपको यहां पर इस पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप यहां पर इस पर क्लिक करेंगे, तो ये फाइल दोस्तों आपसे यहां पर पासवर्ड मांगेगी। और पासवर्ड दोस्तों ध्यान से देखना, पासवर्ड है कैप्टन डीजे, जिसमें आपको यहां पर सी और डीजे आपको यहां पर कैपिटल में लिखना है। तो दोस्तों, पासवर्ड एक बार फिर से आप ध्यान से देख लेना, पासवर्ड है कैप्टन डीजे। और इसके बाद आपको ये लिखने के बाद आपको ओके कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर पासवर्ड लगा देंगे, तो फिर आपकी ये फाइल एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी ये फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। और एक्सट्रैक्ट होने के बाद दोस्तों आपको एक यहाँ पर WCC3 का एक इंस्टॉलर आपको देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपको इंस्टॉल पर जो बटन दिख रहा है आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे, तो कुछ समय के लिए यहाँ पर आपको अननोन दिखाएगा, आपको थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर लेना है। तो दोस्तों, अननोन दिखाने के बाद आपको एक फिर से आपको यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन दिखेगा, तो सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है। और दोस्तों, जैसे ही आप इस पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो फिर आपका यहाँ पर WCC3 का ये इंस्टॉलर यहाँ पर आपका इंस्टॉल होने लगेगा। तो दोस्तों, जैसे ही आपकी यहाँ पर इंस्टॉल की प्रोसेस पूरी हो जाएगी, तो सिंपली अब आपको यहाँ पर इसको ओपन कर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, जैसे ही आप इसको यहाँ पर ओपन करेंगे, तो फिर आपके यहाँ पर WCC3 की इंस्टॉलेशन प्रक्रिया आपके यहाँ पर शुरू होगी। तो सिंपली दोस्तों आपके यहाँ पर इसके इंस्टॉल पर आपके यहाँ पर क्लिक कर देना है, और जो भी परमिशन दोस्तों ये इंस्टॉलर आपसे मांगता है, इसको आपको यहाँ पर अलाउ कर देना है। तो दोस्तों, जब आपकी ये अनाउन की प्रोसेस पूरी हो जाती है, तो इसके बाद आपको यहाँ पर ऐप इंस्टॉल करने का यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा, तो सिंपली आपको दोस्तों इस ऐप को यहाँ पर इंस्टॉल कर देना है। और हाँ दोस्तों, आपको एक चीज और बता देता हूँ, जब आप इस ऐप को यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे, तो कुछ आपसे यहाँ पर ऐसी चीज आपको यहाँ पर पूछेगा, ब्लॉक्ड बाय प्ले प्रोटेक्ट। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आप अपनी मर्जी के हिसाब से ओके पर भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर इंस्टॉल एनीवे पर आपको यहाँ पर क्लिक आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर इंस्टॉल एनीवे पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। और दोस्तों, जब ये गेम की इंस्टॉलेशन पूरी हो जाती है, तो इसके बाद ये गेम अपने आप यहाँ पर आपके एंड्रॉइड मोबाइल फोन में ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, अब आगे की प्रोसेस एकदम ध्यान से देखना। जैसे गेम आपके यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, तो सिंपली आपको यहाँ पर सभी चीजें अलाउ कर देनी है, जो भी ये गेम आपसे परमिशन मांगता है। तो दोस्तों, जैसे ही आप इन सभी चीजों को अलाउ कर देते हैं, तो इसके बाद दोस्तों आपको अपने गेम को एग्जिट कर देना है और अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पर आ जाना है। जब दोस्तों आप होम स्क्रीन पर आ जाते हैं, तो इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपना इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पर ऑफ कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर अपना इंटरनेट कनेक्शन ऑफ कर लेना है। और इसके बाद दोस्तों आपको अपना यहाँ पर WCC3 का यहाँ पर मोड ओपन करना है। और जो दोस्तों आपको साइड में ब्लैकिंग व्हाइट में WCC3 का इंस्टॉलर दिख रहा है, उसको आप अनइंस्टॉल अब कर सकते हो। तो दोस्तों, जैसे ही आपकी ये लॉगिन स्क्रीन पूरी हो जाती है, तो आप यहाँ पर लॉगिन अकाउंट पर आप पहुँच जाते हो। तो दोस्तों, अब आपको यहाँ पर अपने इंटरनेट कनेक्शन की आपको आवश्यकता होगी, और आपको यहाँ पर गेस्ट के अकाउंट से यहाँ पर आपको लॉगिन करना होगा।
और दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर अपना इंटरनेट कनेक्शन ऑन करना है सिर्फ एक बार यहाँ पर, ताकि आप एक बार इस गेम को यहाँ पर लॉगिन कर सको। तो यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन ऑन करके आपको यहाँ पर गेस्ट से लॉगिन आपको कर देना है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना और आपको मैं बता देता हूँ कि आपको कब तक यहाँ पर अपना इंटरनेट कनेक्शन ऑन करना है। तो दोस्तों जैसे आप गेस्ट के अकाउंट पर लॉगिन करेंगे तो आपके सामने नो इंटरनेट का भी ऑप्शन एक बार आ सकता है, तो एक बार फिर से आप यहाँ पर गेस्ट के अकाउंट पर क्लिक करके आप ट्राई कर लेना, ताकि आपके यहाँ पर लॉगिन आसानी से हो जाए। दोस्तों गेम ओपन होते ही आपको यहाँ पर डेली बोनस आपको कलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको मिशन ऑफ द डे आपका एक और ऑप्शन आएगा, तो वो भी आपको यहाँ पर कलेक्ट करना जरूरी है। इसके बाद आप ऑफलाइन इस गेम को खेल सकते हो। तो दोस्तों अब आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो आपके सामने एक और चीज आई है, मिशन ऑफ द डे। तो दोस्तों इसको भी आपको यहाँ पर कलेक्ट कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आप गेम को यहाँ पर एग्जिट करके आप ऑफलाइन आराम से खेल सकते हो। तो दोस्तों जब आप मिशन ऑफ द डे वाला रिवॉर्ड कलेक्ट कर ले तो इसके बाद आपको बाहर आ जाना और अपना इंटरनेट कनेक्शन ऑफ कर देना है। इंटरनेट कनेक्शन ऑफ करने के बाद अब आप यहाँ पर WCC3 आप हमेशा के लिए आप आराम से ऑफलाइन भी आप खेल सकते हो। तो मैं ये भी आपको यहाँ पर ओपन करके एक बार गेम दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आपको मैं दिखा देता हूँ, हमारा इंटरनेट कनेक्शन भी ऑफ है, इसके साथ ही आपका ये गेम ओपन हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। और हाँ जी दोस्तों, इसको आप यहाँ पर ऑनलाइन भी खेल सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें आपको यहाँ पर माय करियर का मोड आपको अनलॉक नहीं मिलेगा, बाकी सभी चीजें आपको इसमें अनलॉक मिलेगी। IPL ऑक्शन, वर्ल्ड कप, जो भी वर्ल्ड कप है, जो भी ट्रॉफीज है, जो भी स्टेडियम है, जो भी जर्सी, जो भी कुछ है, वो सब कुछ आपको यहाँ पर इस गेम में अनलॉक मिलेगी। सिर्फ आपको यहाँ पर माय करियर मोड आपको अनलॉक नहीं मिलेगा। और हाँ दोस्तों, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि ये WCC3 का पुराना वर्जन है, नया वर्जन नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर देना, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों अपनी इंडियन टीम को और विराट कोहली को सपोर्ट देते रहना, कोई बात नहीं, आज पाकिस्तान से हारे तो कल शायद हमारे हाथ में T20 की ट्रॉफी हो। तो मैं मिलूंगा दोस्तों अब आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने घर के आसपास स्वस्थ रखना, सभी खुश रहना। जय हिंद, वंदे मातरम।